नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा शेट्टी के यूट्यूब चैनल में। आज है 12 दिसंबर का दिन और 12 दिसंबर के दिन के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का हमारा है, हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी। हाल ही में सुनील शेट्टी को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। तथा यह जो नाडा है यह नेशनल लेवल पे एंटी डोपिंग टेस्ट करता है तथा इसके द्वारा पता लगाया जाता है कि भारत के जो खिलाड़ी हैं कहीं भी प्रतिबंधित दवाओं का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। तो नाडा का मेन उद्देश्य मेन कार्य होता है कि नेशनल लेवल पे एंटी डोपिंग टेस्ट करना तथा पता लगाना कि भारत के जो खिलाड़ी हैं कि उनके द्वारा प्रतिबंधित दवाओं का सेवन तो नहीं किया जा रहा है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा हाल ही में नाडा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभिनेता सुनील शेट्टी को। तो ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अब बात हमने यहाँ पे की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की, जो सिर्फ भारत के खिलाड़ियों पर एंटी डोपिंग टेस्ट करती है। वही अगर हम वर्ल्ड लेवल की एंटी डोपिंग एजेंसी की बात करें वाडा के बारे में, तो जो वाडा है वह वर्ल्ड लेवल पे खिलाड़ियों की जांच करता है एंटी डोपिंग, मतलब खिलाड़ियों का यह वर्ल्ड लेवल पर जाँच करता है कि जो खिलाड़ी हैं वर्ल्ड लेवल के उनके द्वारा कहीं प्रतिबंधित दवाओं का भी सेवन नहीं किया जा रहा है। तो वर्ल्ड लेवल की एजेंसी है ये वाडा। तथा हाल ही में वाडा ने यह चर्चा में थी इसलिए क्योंकि वाडा के द्वारा 4 साल के लिए रूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो वाडा है इसने टोटल 4 वर्षों के लिए रसिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। तथा जो रूस है अगले 4 वर्षों तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग नहीं ले पाएगा। जैसे आपका 2020 का जो समर ओलंपिक्स खेल होने वाले हैं उसमें और 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा आपका कतर में, इन 2 महत्वपूर्ण खेल आयोजनों में रसिया भाग नहीं लेगा। इस पे हाल ही में वाडा ने 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं वाडा के हेडक्वार्टर की बात करें तो वाडा का प्रेजेंट टाइम हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है पहले प्रश्न से रिलेटेड। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य इंद्र अभ्यास शुरू हुआ है? तो भारत और रसिया के मध्य यह इंद्र अभ्यास किया जाता है। तो ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। तथा यह जो इंद्र अभ्यास है पुणे और गोवा में, कहाँ? पुणे और गोवा में संयुक्त रूप से किया जाएगा 10 से लेके 19 दिसंबर के मध्य। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब भारत रूस के साथ यह युद्ध अभ्यास करता है। तो आइए बात कर लेते हैं कुछ रूस के बारे में। सबसे पहले रूस के राष्ट्रपति आपके लिए इम्पोर्टेंट है व्लादिमीर पुतिन। कौन है? तो व्लादिमीर जो पुतिन है ये प्रेजेंट टाइम में रूस के राष्ट्रपति हैं। तथा रूस की प्रेजेंट टाइम में राजधानी ऑफिशियल है मॉस्को। तथा रूस की प्रेजेंट टाइम में ऑफिशियल करेंसी है रूबल। तथा रूस में 2018 के फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था जिसको फ्रांस ने जीता था क्रोएशिया को हरा के। तथा रूस में ही 2019 का ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम यानी ईईसी जो है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, उसका आयोजन भी रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में किया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अनावरण किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा, इसी के द्वारा विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अनावरण किया गया है। तो ऑप्शन जो बी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। नासा के द्वारा आप पिक्चर में देख रही हैं विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट, इसी का नासा ने हाल ही में अनावरण किया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तथा इस रॉकेट को स्पेस लॉन्च सिस्टम नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? तो यह जो रॉकेट है आप पिक्चर में देख रहे हैं इस रॉकेट को नासा ने नाम दिया है स्पेस लॉन्च सिस्टम। तथा यह विश्व का अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। तथा इसकी टोटल जो ऊंचाई है वो है 212 फीट। तथा यह संभावना बताई जा रही है कि यह जो स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट है इसका जो इस्तेमाल है यह नासा के आर्टेमिस मिशन में किया जाएगा। यह जो नासा का आर्टेमिस मिशन है इसमें इस रॉकेट के इस्तेमाल की संभावना जताई जा रही है। अब बात यहाँ पे बनती है नासा का आर्टेमिस मिशन है क्या? तो नासा का यह महत्वाकांक्षी मिशन है आर्टेमिस, जिसके तहत जो नासा है वह
अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजेगा तथा चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का जो मिशन नासा का, उसको नाम दिया गया है आर्टेमिस मिशन। तथा इसी आर्टेमिस मिशन में ही विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट SLS यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब बात यहाँ पे नासा की है, तो ये बात करते हैं कुछ नासा के बारे में। सबसे पहले नासा की फुल नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल नेम है। तथा ये जो नासा है, ये अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है जिसका गठन 29 जुलाई 1958 को किया गया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा नासा के जो संस्थापक थे, इनका नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो नासा के जो संस्थापक थे डेविड आइजन हावर। कौन थे? तो डेविड आइजन हावर जो थे, ये नासा के संस्थापक थे। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इस प्रश्न से रिलेटेड। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में लंदन चेस क्लासिक खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है आर प्रज्ञानंद। कौन? तो आर प्रज्ञानंद ने लंदन चेस क्लासिक खिताब जीता है। तो ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। ये भारत के छोटे से शतरंज खिलाड़ी हैं आर प्रज्ञानंद, इन्होंने लंदन में आयोजित लंदन चेस क्लासिक खिताब अपने नाम कर लिया। पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये हैं आर प्रज्ञानंद तथा ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, इन्हीं के द्वारा यह खिताब जीता गया है, लंदन चेस क्लासिक खिताब। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में 150 रणजी मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है वसीम जाफर, यानी ऑप्शन जो सी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सॉरी, जो वसीम जाफर है पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये हैं वसीम जाफर तथा ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिनके द्वारा 150 रणजी मैच खेला गया है। तो ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, हाल ही में भारत ने दक्षिण एशियाई खेलों में कुल कितने पदक जीते हैं? तो हाल ही में जो 13वां दक्षिण एशियाई खेल हुआ था उसका समापन हो गया है। तथा यह जो 13वां दक्षिण एशियाई खेल हुआ था, यह नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया गया था। तथा इस खेल में हाल ही में भारत ने टोटल 312 पदक जीते हैं। तो ऑप्शन जो ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, जो दक्षिण एशियाई खेल हाल ही में संपन्न हुए हैं उसमें भारत ने टोटल 312 पदक जीते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं पदक तालिका के बारे में जो दक्षिण एशियाई खेलों से रिलेटेड है। तो ये है दक्षिण एशियाई खेल जो हाल ही में काठमांडू में संपन्न हुए हैं, इसमें भारत के बारे में बात करें तो भारत ने टोटल 312 पदक जीते हैं जिनमें से 174 गोल्ड है, 93 सिल्वर है और 95 ब्रॉन्ज है। वहीं नेपाल की बात करें जहां पे यह खेल आयोजित किया गया था, नेपाल ने टोटल 206 पदक जीते हैं जिनमें से 51 गोल्ड है, 60 सिल्वर है और 95 ब्रॉन्ज है। उसके बाद श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने 40 टोटल गोल्ड जीते हैं, टोटल 83 सिल्वर और 128 ब्रॉन्ज, टोटल मिला के इसका 251 पदक है। उसके बाद पाकिस्तान ने टोटल 131 पदक जीते हैं जिनमें से 31 गोल्ड है, 41 सिल्वर है और 59 ब्रॉन्ज है। तो ये पदक तालिका है, आप देख लीजिएगा जो दक्षिण एशियाई खेलों से रिलेटेड है। यहाँ भारत के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भारत से एग्जाम में प्रश्न आपके जरूर पूछा जाएगा। तो भारत ने टोटल 312 पदक जीते हैं जिनमें से 174 गोल्ड है, 93 सिल्वर है और 45 ब्रॉन्ज है। तथा यह जो 13वां दक्षिण एशियाई खेल हुआ था इसका आयोजन नेपाल की राजधानी काठमांडू में किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट है, हाल ही में हिंद महासागर संवाद और दिल्ली संवाद का जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है, हाल ही में हिंद महासागर संवाद और दिल्ली संवाद का जो आयोजन है यह नई दिल्ली में किया जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, यह जो आयोजन है विदेश मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में 13 से लेकर 14 दिसंबर के मध्य किया जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस है यह 11 दिसंबर के दिन मनाया गया। तो ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, प्रतिवर्ष 11 दिसंबर के दिन विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस को मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही, आप इसे याद रखिएगा। तथा इस 2019 के अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस की थीम थी माउंटेन मैटर फॉर यूथ। क्या है? तो माउंटेन, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, माउंटेन मैटर फॉर यूथ 2019 के
अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस की थीम थी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, हाल ही में नरेश मित्रा का निधन हुआ है, वे किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार थे नरेश मित्रा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा ये पर्यावरण संबंधी रिपोर्टिंग के लिए मशहूर थे। कौन? ये जो नरेश मित्रा थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक, ये पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट संबंधी रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, हाल ही में यायावर साहित्य उत्सव का जो आयोजन है किस शहर में किया जा रहा है? तो यह जो यायावर साहित्य उत्सव है, इसका आयोजन जम्मू में किया जा रहा है। तो ऑप्शन जो बी एस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, इसे याद देखिएगा। जम्मू में यह यायावर साहित्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो इसे भी आप याद देखिएगा। ऑप्शन जो बी एस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। इसके साथ ही हाल ही में जो जम्मू कश्मीर है, इसको केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया था, तथा जिसके प्रथम उपराज्यपाल बने थे जी सी मुर्मू, यानी गिरीश चंद्र मुर्मू। अब हम बात करेंगे आपके लिए कल के सवाल की। जो कल का सवाल आपके लिए पहला दिया गया था, हाल ही में जोजी बीनी तुंजू मिस यूनिवर्स 2019 बनी है, आपको बताना है कि वे किस देश से हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा था ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका की हैं जोजी बीनी तुंजू, जो हाल ही में मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न हमने आपको दिया था, विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री सना मारिन किस देश की हैं? तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर हमारा था ऑप्शन बी, फिनलैंड की हैं ये सना मारिन, जो फिनलैंड की सबसे मतलब अब तक की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे आपके लिए आज के सवाल की। तो आज का सवाल आपके लिए पहला है, हाल ही में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा ने किस देश पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? पहला सवाल। उसके बाद दूसरा सवाल आपके लिए है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 2 सवाल आपके लिए आज के हैं, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर हम आपको कल के वीडियो में देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।